Hi friends, subscribe to our Technosoft channel. Press the bell button to get all the notifications of our videos. So stay tuned with our videos first. Counting double digit thousands. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास टेक्नोसॉफ्ट की जानिब से। मैं आज अपने न्यू इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अ यूट्यूबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये बताऊँगा कि हम किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ जो कि कॉमन हो रही है वो ये है कि इनवैलिड क्लिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। इनवैलिड क्लिक्स कुछ ऐसा होता है, मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक वीडियो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी का चैनल है, टेक्निकल दोस्त जो भी है व्हाटएवर, इसका चैनल है, इसकी ये वीडियो है। इस वीडियो को अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर से बार बार रीलोड करूं, बार बार ओपन करूं, बार बार स्किपेबल सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस वीडियो को बार बार रीलोड करूं, उससे ये होगा कि ये वीडियो जो होगी ऑटोमेटिकली स्किपेबल जो होती रहेगी और एड स्किप होते रहेंगे और तेज़ी से होंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब उससे ये होगा कि ये वीडियो जो है ये इस तरह होगी तो ये एक मिस्टीरियस टाइप ऑफ एक एक्टिविटी हो जाएगी। ऐसा ये तब होता है, मतलब कि जो कि अब देखें कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, अब उनको तो कोई टेंशन नहीं होती, वो सारी बात है, उन्होंने नया नया चैनल बनाया होता है, अब उनको काफ़ी चीज़ों का पता भी नहीं होता। बट वो कुछ न्यू यूट्यूबर जो होते हैं वो कुछ इस तरह की गलत हरकत करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो ऑटो बोट और इस तरह के फजूल किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो उसमें फिर वो मतलब कि कोई भी उनको वीडियो अगर होती है उसको वो ऑटोमेटिकली रीलोड सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाते हैं, वो वीडियो ऑटोमेटिकली रीलोड हो रही होती है, एड स्किपेबल हो रहे होते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है। उसके अलावा गूगल क्रोम के ऊपर कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं, वो अगर आप लगाएँ तो एक वीडियो को चलाएं तो उसके बाद हर 5 सेकंड बाद, अगर ये वीडियो है, हर 5 सेकंड बाद ये स्किपेबल होती रहेगी, रीलोड होती रहेगी, स्किपेबल होती रहेगी, ऐड चलते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी है इस तरह की, अगर ये एक्टिविटी तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है, ठीक है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये एक्टिविटी तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है तो फिर तो किसी का भी चैनल सेफ नहीं है, ज़ाहरी बात है आपके माइंड में ये सवाल होगा। तो अब यही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब देखें, ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो ज़ाहरी बात है यूट्यूब को पैसा देती हैं, अपना ऐड शो करती हैं, लोगों की वीडियो जो होती हैं उनके ऊपर ऐड शो हो रहा होता है, ज़ाहरी बात है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने यूट्यूब को पैसा दिया है, यूट्यूब उनसे पैसा लेकर एड्स उनके जो हैं वो शो करता है यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर। अब एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं, ज़ाहरी बात है इस तरह की एक्टिविटी होगी, मिस्टीरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी होगी, इनवैलिड क्लिक्स वाली एक्टिविटी होगी। अब एडवर्टाइजमेंट कंपनी कितना पैसा देगी यूट्यूब को, ठीक है, कितना ज़्यादा पैसा देगी, ज़्यादा इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए कि वो एक वीडियो के ऊपर इस तरह के इनवैलिड क्लिक्स आएँ, वो इस तरह किस तरह वो पैसा दे, उसके लिए तो ये काफ़ी इशू हो जाएगा, ठीक है। अब तो ज़ाहरी बात है यूट्यूब ने भी तो मतलब कि अपने एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज़ होती हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुकात, मतलब कि एक रिलेशन रखना होता है, बड़ा तरीके के साथ हैंडल करना होता है। तो ज़ाहरी बात है अब यूट्यूब तो उनके साथ ख़राब नहीं कर सकता, ज़ाहरी बात है यूट्यूब का भी तो अर्निंग इस तरह ही होती है एडवर्टाइजमेंट कंपनी से, तो आपस में इनका आपस में एक मतलब कि कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप होती है आपस में। अगर इनके साथ अनबन हो जाए तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भी प्रॉब्लम नुकसान होगा, उसके अलावा यूट्यूब को भी नुकसान हो जाएगा। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, ज़ाहिर बात है यूट्यूब, अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी को प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब ज़ाहिर बात है स्ट्रिक्टली मेजरमेंट लेगा उस इनवैलिड क्लिक्स वाली वीडियो के ऊपर। तो यूट्यूब देखेगा कि ये न्यू यूट्यूबर है, इसका चैनल न्यू है,
अगर तो उसका चैनल न्यू हुआ और इस तरह की इनवैलिड क्लिक आएंगे तो फौरन यूट्यूब जो है उसका चैनल परमानेंटली डिसेबल्ड कर देगा, सस्पेंड कर देगा उसका चैनल। हो सकता है कि अगर वो चैनल न्यू है तो रिलैक्सेशन मिल सकती है, अगर जबकि वो अगर चैनल न्यू है तो फिर उसके ऊपर रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती। अगर वो पुराना है, 4-5 साल पुराना है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो ट्रस्टेबल है यूट्यूब के लिए, तो फिर तो वो चैनल के को यूट्यूब ज़री बात रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो इनवैलिड क्लिक्स जो होते हैं ये लोग ही करते हैं, ज़री बात है कोई किसी चैनल के साथ चैनल से है जेलस करता है, वो देखता होगा कि ये इतनी ज़्यादा अर्निंग कर लेता है अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर और फिर अपनी अर्निंग वाली जो वीडियोज़ होती हैं अपने चैनल के ऊपर लगाता है। तो फिर काफ़ी यूट्यूबर्स होते हैं उनको जेलस होती है कि हम छोटे यूट्यूबर हम तो इतनी अर्निंग नहीं कर सकते, तो फिर वो इस तरह की शैतानी अमल करते हैं, मतलब कि गलत करते हैं जो कि मोरली इनको करना तो नहीं चाहिए। तो ज़ाहिर बात है हर कोई अपनी मेहनत से करके आता है, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ अपने टैलेंट को लेकर आता है, उसी हिसाब से वीडियोस बनाता है, ठीक है। तो अब ये इनवैलिड क्लिक्स जब वो करता है, इनवैलिड क्लिक्स ये जो होते हैं जितने इनवैलिड क्लिक्स होंगे उससे आपका CTR बढ़ जाएगा। अब जो CTR होता है क्लिक थ्रू रेशो, ये अब आपको मैं बताता हूँ। अब ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है, ये मेरा बैलेंस शो हो रहा है, अब मेरा ये CTR शो हो रहा है लास्ट 7 डेज का, ये 0.81% शो हो रहा है, CPC मेरा ये है, क्लिक्स ये है, तो लास्ट 7 डेज का। आप ऐसा किया करें कि हर रोज़ अपना गूगल एडसेंस अकाउंट देखा करें, आपने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के CTR को मेंटेन करना है, ठीक है, मैनेज करना है। आपका CTR जो है वो 25-30% 50% के लगभग दरमियान में नहीं रहना चाहिए, कम होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 20-30% 25% है आपका CTR तो फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 25% से आपका CTR एक्सीड कर जाता है, 30% हो जाता है या 50% या हो जाता है या 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो समझ लें कि आप यू आर इन अ ट्रबल, आपका चैनल किसी वक्त भी सस्पेंड हो सकता है परमानेंटली, अगर तो आप न्यू यूट्यूबर हैं, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, अगर तो आप पुराने यूट्यूबर हैं, 4-5 साल से न्यू यूट्यूबर हैं, ट्रस्टेबल यूट्यूबर हैं यूट्यूब के लिए, तो फिर तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको पहली स्ट्राइक के ऊपर आपका चैनल परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। तो अब ये जो इनवैलिड क्लिक्स है, आपका जो CTR है, इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐसा करना है कि अगर तो आपका 35% या 50% से आपका CTR बढ़ जाता है, तो आपने ऐसा करना है कि आपने एक हफ्ते के लिए, फॉर अ वन वीक, आपने अपनी चैनल की जो है मोनेटाइजेशन वो उसको डिसेबल कर देना है। अब जब आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को डिसेबल करेंगे तो उससे आपका जो CTR है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपका CTR आपको लगेगा कि वो 20% से कम हो गया है या 10% हो गया है या 25% से कम हो गया है, तो फिर आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर लें, ठीक है। अगर तो चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल करने से भी आपका CTR कम नहीं होता, तो आप कॉन्टीन्यूसली रखिएगा आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को डिसेबल ही रखिएगा। जब आपकी आपको लगे कि मोनेटाइजेशन डिसेबल करने से आपकी जो CTR है वो कम हो गया, फिर आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर लीजिएगा। तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं अपने CTR को, यही एक ऑप्शन है, ठीक है। और आपने लाजमी हर रोज़ अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को चेक करना है, अगर लाजमी नहीं कर सकते, डेली नहीं कर सकते, तो हर 2-3 दिन बाद अपने एडसेंस अकाउंट को चेक कीजिए और देखिए करें कि आपका CTR जो है वो जो है 25% 30% 50% से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर तो ज़्यादा है तो इसी तरह आपने करना है जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, आप मेरी इस
वीडियो के कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको फौरन रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी जो न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। और मेरी वीडियोस होती हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो भी चैनल, जो भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मेरी वीडियोस इंग्लिश में भी हैं, मेरी वीडियोस उर्दू में भी हैं, तो इंग्लिश स्पीकर जो हैं, इंग्लिश समझने वाले, वो मेरे चैनल को भी देख सकते हैं। उर्दू हिंदी जो भी हैं अंडरस्टैंड करने वाले, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।